आपने घरों के कूलर और गमलों में तो डेंगू के लार्वा मिलने की खबरें कई बार सुनी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेंगू के लार्वा आपके घरों में रखे फ्रिज की पानी की ट्रे में भी पनप रहे हैं। ऐसे ही हैरान करने वाले मामले राज्य भरों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां कई घरों के फ्रिज की ट्रे से इस खतरनाक मच्छर के लार्वा पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और डेंगू मलेरिया की रोकथाम करने वाली टीम का कहना है कि शहर से लेकर देहात तक ज़्यादातर स्थानों पर डेंगू के लार्वा फ्रिज की ट्रे में पाए जा चुके हैं। दिल्ली, यूपी और अन्य कई राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू के लार्वा सबसे अधिक 60% मामलों में फ्रिज की ट्रे में पाए जा रहे हैं। इसके बाद 20% लार्वा पानी के ड्रम में, 10% कूलर के पानी में और अन्य 10% घर के अन्य स्थानों में से मिल रहे हैं। पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल देश भर से डेंगू के बेहद ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, महाराष्ट्र, लखनऊ समेत कई राज्यों से हर रोज डेंगू के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में सभी राज्यों को डेंगू से निपटने की खास हिदायत दी गई है। यही वजह है कि डेंगू रोकथाम टीम और स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर डेंगू के लार्वा पनपने की चेकिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को बेहद हैरानी हुई जब फ्रिज की ट्रे में रुके पानी में भी इसके लार्वा पाए गए, जिन्हें समय रहते नष्ट कराया गया। मौसम ठंडा होने के साथ ही डेंगू का हमला तेज हो गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। निरीक्षण में कई जिलों के घरों में डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा मिल चुके हैं। ये लार्वा घरों में रखे फ्रिज और कूलर में पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकने के लिए घरों में साफ पानी को कहीं भी जमा ना होने दें। फ्रिज और कूलर की हफ्ते में कम से कम एक बार सफाई जरूर करें और सफाई के दौरान पानी को जरूर बदलें, ताकि डेंगू मलेरिया का लार्वा ना बने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तापमान जितना कम होगा इसके मामले बढ़ने का उतना ही ज्यादा खतरा है, इसलिए लोग अपने घरों के आसपास फ्रिज, कूलर, गमलों, टंकी में पानी को इकट्ठा ना होने दें। समय समय पर पानी बदलते रहें और लार्वा नष्ट करने के लिए मिट्टी का तेल जरूर डालें। अगर घर में किसी को बुखार की शिकायत है तो उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं और स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल जरूर दिखाएं। इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले डेंगू मलेरिया के मामलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें मरीज तेज बुखार और कम प्लेटलेट्स की शिकायत के साथ अस्पताल आ रहे हैं। साथ ही इस बार पहली बार हुआ है कि डेंगू के लक्षणों में भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई मरीज बिना बुखार के भी कम प्लेटलेट्स की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराए जा रहे हैं। कई मरीजों में प्लेटलेट्स 30,000 से भी कम हो रही है, जो खतरनाक हो सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने डेंगू से बचाव की सलाह दी है और इन लक्षणों के दिखने पर तुरंत डेंगू का टेस्ट कराने को कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जी9 भारतवर्ष।